अरमान बोला था ना टीवी बंद करो, आपा पढ़ रही है ना? जो कि केवल विश्व अमृत के बाहर से ही प्राप्त किया जा सकता। लेकिन रानी परी, हम तो विश्व अमृत ले आए थे बाहर से। अरमान टीवी बंद करो। अब्बू प्लीज थोड़ी देर और। आप देख रहे हो ना, सबने बाबा पढ़ रही हैं अभी। चलो फौरन बंद करो। शाबाश। शबनम बेटा एग्जाम कैसे रहे आपके? अच्छे गए अब्बू। कल हिंदी है ना? नहीं अब्बू कल साइंस है फिर हिंदी। खूब मन लगा के पढ़ाई करना। सुनिए आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रजिया मेरा खाना भी लगा दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है अभी। हाँ किसी से मिलना है। किससे मिलने जाना है? ऐसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। सुनिए देर मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी को पता नहीं था कि ये आखिरी बार था जो अफजल अपने घर से निकल रहा था। अम्मी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रही हूँ। अगर मेरी आँख ना खुले ना तो आप उठा देना। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं शबनम, मैं तेरे अब्बू को कब से फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन साइलेंट पे होगा अम्मी, मिस कॉल देख के खुद कर लेंगे अब्बू कॉल। आप इतना परेशान मत हो। हेलो, मैं ऑफिस से आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा कि अचानक एक आदमी पड़ा हुआ। साहब हमने बटुआ चेक किया लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। सर हो सकता है फोन इसी आदमी का है। जी फोन लॉक्ड है, अगर कॉलर ने फिर से फोन किया तो पता चलेगा ये आदमी कौन है। शबनम, शबनम उठ, मुंह धो ले, पढ़ने बैठ जा। अब वो आ गए? नहीं नहीं। साहब कोई रजिया है। हेलो अफसर, कहाँ हैं आप? मैं रात से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ, मिलन नगर थाने से। पुलिस? ये अफसर कहाँ है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, बस आप हॉस्पिटल आ जाएं जल्दी। क्या? शौहर अफजल टेलर थे, अपनी दुकान है उनकी। आपके शौहर जबलपुर बाईपास रोड पर क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता साहब। कल शाम में अफजल घर आए, खाना खाया और फिर बाहर चले गए। बस इतना ही कहा कि ऐसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। हमने अभी हिट एंड रन का केस रजिस्टर किया है। ये कुछ सामान है उनका जो उनकी बॉडी से मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाभी अल्लाह हिम्मत दे, मेरा और अफसल का बचपन का साथ था। भाभी आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। किसके दिल में क्या है, कौन अपने दिल में आपके लिए बैर रखे हुए है, ये कोई नहीं कह सकता। एक रात में एक परिवार उजड़ गया। एक रोड एक्सीडेंट में अफजल शेख की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, लेकिन उसकी बीवी रजिया शेख को यह शक था कि उसे मारा गया है। क्या यह सिर्फ एक वहम, सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर? साहब, मुझे लगता है कि अफजल उस रात जिस अजनबी आदमी से मिलने गए थे, उसने जानबूझकर उन्हें कुचल दिया। लेकिन अभी तो एक्सीडेंट ही लग रहा है। पोस्टमार्टम में कुछ आया नहीं। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ CCTV नहीं था, पर किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ बताया नहीं। आपका कहना है वो अजनबी था, पहली बार मिलना। आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला, तो भला अजनबी ऐसा क्यों करेगा? साहब, ये आप पता लगाइए। मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी तो कोई मर्डर क्यों करेगा? जरा सोचिए इस बारे में। कत्ल ना सही, एक्सीडेंट तो है, और मैं चाहती हूँ कि ये जिस किसी ने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने पर कहर टूटने के बावजूद रजिया में एक जुनून था कि अफजल का गुनहगार पकड़ा जाए और उसे सजा हो, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम मुजरिम के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई थी। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। पूरे 6 महीने वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, दलीलें करती रही, और फिर एक दिन। साहब, वो अफजल के नहीं मिल रहा, वो आदमी जिसने आपके पति का एक्सीडेंट किया। इसका मतलब अफजल को और मुझको किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आपसे गुजारिश है, आप हमारा और अपना वक्त जाया ना करें। केस क्लोज कर दिया हमने। अनसुलझे करार देकर कई केसेस क्लोज किए जाते हैं। ऐसे केसेस सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या आक्रोश क्लोज किया जा सकता है? रजिया के मन में एक आक्रोश था, एक अधूरापन था। कम से कम रजिया से तो आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा। और फिर अफजल को खोने के पूरे 3 साल के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे इस क्लोज्ड केस की तकदीर फिर से खुल गई। सचिन सचिन होगा, लेकिन अपना विराट किसी अलग मिट्टी का बना हुआ है भाई। 2016 में किया था कांड। कहाँ किया था? यही अपना जबलपुर बाईपास। तूने सच में किसी को उड़ाकर मार डाला? क्या कर रहा है भाई, धीरे बोल। लेकिन तू ऐसे कैसे किसी अजनबी को? हाँ, प्रवचन मत दे। उन्होंने सुपारी ली थी, 1 लाख रुपए की बात हुई थी। साले ने 20,000 दिया, 80,000 अभी भी बाकी है उसके पास। तो अपना मुंह मत खोल देना किसी के सामने साले, समझा? नहीं यार, मुझे क्या करना। भाई अरे यार बबलू आ जा रहे यार। बबलू की तो पार्टी शुरू हुई है। बबलू क्यों तू पी? पंकज भाई लाला, ये 2 लोग बाहर गए, देखा तूने? क्या हुआ? नहीं जानता क्या उनको? भाई क्यों जानने लगा? ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है? खबरी के कान कभी धोखा नहीं देते साहब। वो बंदा पक्का सुपारी की ही बात कर रहा था। तूने आगे कुछ की? उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की? किया ना साहब, पूरा हफ्ता रोज चील की तरह ठेके पे नजर रखी मैंने, लेकिन वो दोनों बंदे फिर आए ही नहीं। कौन से गैंग के लिए काम करता है? पुलिस के गैंग के लिए। पुलिस का खबरी हूँ। तो उन्होंने कोई कांड किया क्या? कांड नहीं, अपना काम नहीं। मेरा काम करें लाला, मेरा नंबर ले, और वो दोनों यदि यहाँ दोबारा दिखे ना तो उनकी फोटो खींच, उनका डिटेल निकाल और मुझे बता। लाला ने अभी तक कोई फोन नहीं किया? नहीं किया सर। तो स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर स्केच बनवा सकता है, जिसे तूने देखा? जो बंदा डींग हाँक रहा था उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, ये दोबारा टकरा जाए ना, दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। जगह कौन सी बताई जहाँ उसने किसी को कुचला था? जबलपुर बाईपास के पास, 2016 में। हम तब के केसेस खंगालेंगे। लेकिन पंकज, तूने जिनकी बातें सुनी उन्हें ढूंढना जारी रख। जी साहब। मिश्रा, कातिल आज़ाद घूम रहा है, मतलब केस अनसुलझा जा रहा होगा और क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई होगी। एक काम करो, तुम और आसमा 2016 में जबलपुर बाईपास पर जितने भी एक्सीडेंट केसेस हुए सबकी फाइल मंगवाओ। सर, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 जबलपुर बाईपास रोड के सारे एक्सीडेंट केसेस हैं। स्टडी करते हैं। खबरी द्वारा दी गई इस टिप ने एक खोज की शुरुआत की, उस अनसुलझे एक्सीडेंट केस फाइल की खोज जिसकी क्लोजर रिपोर्ट 3 साल पहले ही फाइल हो चुकी थी। बहरहाल नियति इस केस को दोबारा खोलने पर तुली थी। सर, पंकज की टिप से मैच होते हुए 2 केसेस मिले हैं। पहला केस एक अज्ञात औरत का है, वो जबलपुर बाईपास रोड के पास मरी हुई मिली थी, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। दूसरे केस में पहचान हो पाई सर, कोई अफजल शेख था 2 व्हीलर पर। हिट एंड रन का केस रजिस्टर्ड हुआ था पर कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। गुड। और एक बात सर, इस अफजल की पत्नी रजिया शेख ने स्टेटमेंट दिया है कि अफजल उस रात को किसी अजनबी से मिलने के लिए जा रहा था। उसने कहा सर कि उसे भी शक है कि एक्सीडेंट का केस नहीं है, किसने मर्डर किया उसके पति का। लगता है वही केस। इस रजिया शेख को ट्रेस करो। अरमान, रुक, टिफिन रखने दे। अब्बू लेट हो रहे हैं। हाँ बेटा आया। चलो। सुनिए, आपका भी टिफिन रेडी है, ले जाइए। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, बाजार से कुछ लाना? नहीं नहीं कुछ नहीं लाना। अब्बू चलिए। हाँ हाँ आप लोग जाओ। बाय बाय अम्मी। बाय बेटा। रजिया शेख अगर यही है ना? जी हाँ। तुम कौन हो? आप कौन है? सर मैं रजिया का शौहर सदाब खान। क्या बात है सर? तो अफजल शेख? जी, अफजल मेरे पहले शौहर थे। 3 साल पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। कुछ पता चला किसने किया था? आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप बताएंगे भी कि क्या पता चला? दरअसल एक टिप मिली हमें, अफजल का एक्सीडेंट नहीं था, शायद उसका मर्डर था। मुझे पता था, मुझे पता था, मैं कहती रही। मार डाला है किसी ने अफजल को। उस रात हर रोज की तरह दुकान से घर लौटे, खाना खाया और निकल गए। उसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। किसी पर शक? उस अजनबी पर जिससे अफजल उस रात मिलने गए थे। शादाब, आप करते क्या है? सर वो मेरी स्टेशनरी की दुकान है। आप दोनों कैसे मिले? हम पड़ोसी थे। अफजल की मौत और मेरी बीवी फातिमा से अलग होने के बाद हम दोनों अकेले हो गए और पिछले साल हमने शादी कर ली। एफआईआर में आपकी एक बेटी का भी जिक्र है, शबनम। तब वो 10वीं में थी, अभी कहाँ कॉलेज गई? शबनम हमारी शादी के खिलाफ थी तो उसने घर छोड़ दिया, खुद से रहती। मैंने रोका था शबनम को, शादाब ने भी रोकने की कोशिश की थी। शबनम ने एक नहीं सुनी हमारी। अभी कहाँ रहती हो? जी यहीं जबलपुर में, एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। शबनम का घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। शादाब, ये सब क्या है? पता नहीं राजी। शबनम शेख, अफजल शेख की बेटी। मुझे वो शादाब पसंद नहीं। क्यों? कुछ किया है उसने तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट केस फिर से ओपन कर रहे हैं। हमें शक है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ शबनम, लेकिन इस वक्त हमें ये भी शक हो रहा है कि तुम कुछ जानती हो जो हमें बता नहीं रही, कुछ तो छुपा रही। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, मुझे बस सुनकर शौक हो गया। लेकिन हमारे बताने के पहले से तुम हमें शॉक्ड लग रही थी। शबनम प्लीज, तुम हेल्प कर सकती हो हमारी। क्या तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे अब्बू का कातिल पकड़ा जाए? बताओगी नहीं तुम्हें किस पर शक है? मुझे कैसे किसी पर शक हो सकता है? सच में मैम मुझे कुछ नहीं पता। 3 साल में काफी डेवलपमेंट हुई है शेख परिवार में। जी सर। लड़की जरूर कुछ छुपा रही है सर। और ये शादा भी बॉडी लैंग्वेज से काफी नर्वस लग रहा था। रजिया भी सर, काफी कोशिश करी थी नॉर्मल रहने की, लेकिन साफ दिख रहा था अंदर कुछ चल रहा है। इस मर्डर का तगड़ा मोटिव दिख रहा है। रजिया और शादाब का अरसे से अफेयर रहा होगा। अफजल रास्ते का कांटा था। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के डिटेल्स निकलो। रजिया, शादाब और वो पहला शौहर मरहूम अफजल शेख। सब 3 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट केस अब मर्डर केस मालूम हो रहा था, जैसा कि उस वक्त रजिया को लग रहा था। लेकिन उस वक्त न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़ित की पत्नी इस वक्त संदिग्ध मालूम हो रही थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या घर की दीवारों में दीमक काफी पहले से लगी हुई थी और क्या किसी अपने ने ही अफजल के खिलाफ अपने दिल में बैर पाल रखा था? सर। आसमा, क्या खबर? आपका शक सही निकला सर। रजिया और शादाब का अफेयर अफजल की मौत के काफी पहले से चल रहा था। अफजल के जाने के बाद ही इनका निकाह हुआ, लेकिन उसके पहले शादाब की पहली बेगम फातिमा ने तलाक दे दिया शादाब को, तभी खिल टूट गई थी। अभी कहाँ है फातिमा? वो अपने जबलपुर की नहीं थी, वो तो लौट गई अपने मायके शाहपुरा गाँव में। सर मैंने शादाब की पहली बीवी फातिमा को ट्रेस कर लिया, बुलाया उसे। सर मैं अफजल शेख की दुकान पर गया था। अब वो दुकान उसका कारीगर चलाता है मंगेश। साबी दुकान अफजल भाई की खुद की नहीं थी, उन्होंने एक सेठ से लीज पर ली थी और मैं पहले से उनके नीचे काम कर रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद रजिया भाभी को दुकान नहीं चलानी थी तो उनसे मैंने ले ली। अफजल शेख के काफी करीब रहे होगे तुम मंगेश, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सब दुश्मनी करने और निभाने के लिए फुर्सत भी तो लगती है ना। और अफजल भाई तो हमेशा से अपने काम में मगन रहते थे और जो भी वक्त मिलता वो अपने बच्चों के साथ बिताते। इस बात की पूरी संभावना है कि अफजल का मर्डर हुआ है, कुछ तो हुआ होगा। पता होता कुछ तो 3 साल से चुप नहीं बैठता साहब। अफजल के दिल में बच्चों के लिए जगह थी, बच्चों की माँ के लिए नहीं। कोई तो मसला हुआ होगा मियाँ बीवी के बीच में, तो ये दरार आई। सब मोहल्ले वालों का कहना है उन्होंने अफजल और रजिया के बीच कभी कोई झगड़ा होते नहीं देखा, ना कभी सुना। सारे झगड़े चीख चीख के कहाँ होते आसमान, वार खामोशी से भी किए जाते। मुझे लगता है अफजल और रजिया के रिश्ते को समझने के लिए हमें पहले शादाब और उसकी बीवी फातिमा को समझना जरूरी है। बुलवाओ तीनों को। शादाब और मेरी शादी हमारे घर वालों ने तय की थी, अरेंज्ड कहते हैं जिसे। पहले 2 साल जब तक हम बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, शादाब मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर जवाब देते गए, शादाब बदल गया, या यूँ कहिए कि उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये डॉक्टर ने इंदौर वाले स्पेशलिस्ट का नंबर दिया है। ये इस डॉक्टर का नाम भी पहले वाले डॉक्टर ने दिया था और उस डॉक्टर का नाम भी किसी ना किसी ने दिया था। सभी दूसरे डॉक्टर का नाम ही दे रहे हैं और हम पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन हमको बच्चा क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह ना करे, अभी अभी हमारी उम्र क्या है? हा? आप ऐसे उम्मीद मत खोइए, हम और एक बार कोशिश करेंगे। फातिमा, आज के बाद इस घर में बच्चे का जिक्र तक नहीं होगा। मैं एक बार और कोशिश कर हार का मुंह नहीं देखना चाहता। खुदा के वास्ते मुझे थोड़ा सुकून देता बस। एक तो बच्चा नहीं होने का टेंशन था और दूसरी तरफ मेरा बिजनेस भी डाउन था, काफ़ी डाउन था, इसलिए मैंने बच्चा के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। फातिमा से टोटल दूर हो गया और रजिया के करीब हो गए। अफेयर शुरू हुआ उसके साथ? शुरुआत दोस्ती से, हमदर्दी से ही सर। फातिमा तुम मेरे घर जाओ और शबनम का होमवर्क चेक करो, मुझे शादाब से ज़रूरी बात करनी है। क्या कहना आपको? इंदौर के डॉक्टर से एक बार बात क्यों नहीं कर लेते तुम? शादाब देखिए फातिमा कितनी कोशिशें कर रही है। अगर अल्लाह में आने चाहिए। अल्लाह में आप फैसला कर चुके हैं रजिया। जबलपुर के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर जोशी मुझे बोल चुके हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन फातिमा मां नहीं बन पाएगी। या अल्लाह, तुमने ये बात फातिमा को बताई है घुमा फिरा कर साफ लफ्जों में नहीं बताई। ये कभी मां नहीं बन सकती, मेरी हिम्मत नहीं होती उससे बताने की। और आप भी खुदा के वास्ते उसे कुछ मत बताना, वरना वो खुद को मेरी गुनहगार समझेगी, बैठेगी। मैं जानबूझकर उसे तीखी बात करता ताकि वो मुझसे कुछ उम्मीद न रखे, क्योंकि अब कोई दवा फातिमा को मां बना नहीं सकती। पर मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। ये दर्द मुझे रात दिन खाता है, किससे कहूं मैं, क्या करूं मैं? रोहित चुप हो जाइए। उस दिन हमारे बीच एक कड़ी, एक डोर बंद गई, दोस्ती और हमदर्दी के परे। उसके बाद क्या हुआ? हम मिलने लगे, पहले पहले मोहल्ले के बाहर। और तुम्हें भनक कब लगी? कभी नहीं। मैं तो रजिया को अपनी आपा समझती थी। पकड़े कैसे गए? अफजल ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। अफसर, आप आज जल्दी आ गए? देर हो गई, लेकिन तुम कहां से कहां पहुंच गई रजिया? अफसर, आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। शादाब को फोन मिलाओ और बुलाओ उसे यहाँ। शादाब को? लेकिन क्यों? क्यों रजिया, ये सवाल अपने आप से पूछो, क्यों? शादाब को फोन कर और बुलाओ उसे यहाँ। कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, कुछ नहीं जानना मुझे। बस तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सब नहीं। ये कहानी अभी इसी वक्त खत्म हो जानी चाहिए। अंदर बच्चे हैं मेरे, बड़े हो रहे हैं। अगर उन्हें कुछ पता चल गया या किसी ने कुछ बता दिया ना, तो कसम खुदा की ठीक नहीं होगा। तुम दोनों ने अपना रिश्ता तो तोड़ा नहीं और अफजल को मार दिया। साहब, शादाब पर मुझे पता था आप यही सोचेंगे। साहब, आप यकीन करें या ना करें, मैं अफजल को कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। ये डायलॉग हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हम सुनते हैं रजिया। कत्ल का प्लान कैसे बनाया वो बताओ। साहब, कोई प्लान नहीं बना। अफजल ने मुझे घर में बंद करके रखा था। एक तरीके से ये मेरे लिए अच्छा ही था। मैंने शादाब से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। शादाब ने भी कोई कोशिश नहीं की। अफजल के हमें पकड़ लेने के बाद मैंने और शादाब ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार अफजल तुम्हारी नजरों के सामने से इस दुनिया से दूर क्या हुआ? तुम रजिया फिर से पास आ गए, एक हो गए। हम एक जरूर हुए सर, पर अफजल को मारकर नहीं। मैं भला अफजल जैसे अच्छे इंसान का कत्ल क्यों करता? वो बहुत ही अच्छा इंसान था सर। और आप ही बताइए, कौन आदमी अपनी बीवी और पड़ोसी की ऐसी हरकत बर्दाश्त करता? उसने न सिर्फ खुद की और अपने घर की इज्जत का सोचा, बल्कि उसने मेरे खानदान की इज्जत का भी सोचा। इसलिए सर, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत है। अफजल के इंतकाल को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि रजिया और शादाब का अफेयर फिर से शुरू हो गया। और इस बार मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। उसी दिन मैं अपने मायके चली गई और हम दोनों का तलाक हो गया। तुम्हें लगता है कि शादाब ने अफजल को मरवाया? नहीं, मुझे नहीं लगता शादाब इतना गिर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। क्या पता इंसानियत भी अंधी हो जाती होगी। अफजल, शादाब और रजिया के बारे में पुलिस ने हर मुमकिन, हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल की, पर कहीं भी वो कड़ी नहीं मिल पा रही थी जो शादाब और रजिया को अफजल के कत्ल से जोड़े। एक खबरी की टिप से एक अनसुलझे एक्सीडेंट केस को फिर से खोला गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। क्या यह अनसुलझा केस अनसुलझा ही रहने वाला था, या फिर पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग लगने वाला था जो इस केस को नई दिशा देता? अरे आप लोग कौन है और मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पर सर मैंने किया क्या है? चलो अंदर। सर एक बार तो बताइए कि मैटर क्या है। मैटर मर्डर का, जो 3 साल पहले हुआ, जबलपुर बाईपास रोड पर गाड़ी से कुचलकर मार डाला और मारा तुम्हारे दोस्त ने, जो 1 महीना पहले मस्तानी बार में डींगे हाँक रहा था। नाम बोल उसका, बोल। खामोश रहेगा तो खाल उधड़ेगी। शुरू हो जा, बोल। बोलता हूँ सर। बोल बोल, नाम बोल उसका। धर्मेंद्र नाम है उसका, खुद की टैक्सी है, यहीं बहादुर नगर में रहता है सर। बहादुर नगर? सर बहादुर नगर में तो शादब की स्टेशनरी की दुकान है। धर्मेंद्र को अफजल की सुपारी किसने दी? माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। धर्मेंद्र मुझे आके कुछ नहीं बताया था। धर्मेंद्र इस वक्त कहाँ होगा? घर पर होगा साहब। फोन मिला सर और बोल अभी के अभी तो उसको मिलने उसके घर पर आ रहा है। हेलो, हाँ सुनील बोल, क्या हुआ? धर्मेंद्र भाई वो बस ऐसे ही फ़ोन किया था। कहाँ हो आप? घर पर ही हूँ। क्या हुआ बोलना। नहीं वो बस मैं सोच रहा था आपसे आकर मिल लूँ। हेलो धर्मेंद्र भाई। हाँ सुन रहा हूँ, आजा मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ जी, आप अचानक कितने परेशान लग रहे हैं। कौन है आप लोग और ऐसे कैसे? क्राइम ब्रांच। धर्मेंद्र को बुलाओ तुरंत। 10 मिनट हुए वो बाहर गए, बोले रात भर घर नहीं आएंगे। क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? मर्डर। क्या? 3 साल पहले उसने एक आदमी का मर्डर किया था। वो अगर तुम्हें फोन करता है तो तुम सीधे सीधे हमें फोन करके बताओगे, समझ में आया? सर धर्मेंद्र अंदर नहीं है, जैसे वो आपको कॉन्टैक्ट करे इस नंबर पर आप हमें फोन करके बता दीजिए। ये धर्मेंद्र शहर छोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, हम उसे भागने नहीं दे सकते। शहर की हर जगह सील करवा दो। जी सर, मैं सारे थाने, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर हाई अलर्ट की रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। और सर ये धर्मेंद्र का फोटो सर्विलेंस पर डाल दो, कॉल रिकॉर्ड करवाओ। एड़ा कर खलील भाई, लगता है पुलिस वाले अफजल का केस फिर से खोल रहे हैं। क्या? मुझे कैसे पता चला? पर पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे घर पर आई थी, बाल बाल बचकर भागा हूं मैं। लेकिन तेरे बारे में पुलिस को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बेहतर इसी में है ना खलील भाई कि मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। 5 लाख रुपए मेरे मुंह में ठूसो, नहीं तो मेरा मुंह पुलिस वाले के सामने खुल जाएगा। बकवास मत कर, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझे? मैं ऐसा कर सकता हूँ खलील भाई, मेरी सुपारी के पैसों में से ना अभी भी 80,000 आप ही के पास है। 4-5 दिनों के लिए तो अंडरग्राउंड हो जाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। 3 दिन मैं फोन करूंगा और पैसे का आप इंतजाम करिए, और अगर नहीं हुआ ना तो पुलिस वाले के पास जाके मैं सब कुछ बोल दूंगा। हेलो खलील बोल रहा हूँ। हाँ क्या हो रहा खलील? पुलिस अफजल का केस दोबारा खुलवा रही है। धर्मेंद्र को उठाने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन वो बच के निकल गया। ये कब हुआ और पुलिस वालों को धर्मेंद्र के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ नहीं पता। धर्मेंद्र 3 दिन के लिए अंडरग्राउंड होने को तैयार हो गया, लेकिन बदले में वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस के सामने जाकर अपना मुंह खोल देगा। पुलिस मुझ तक भी पहुंच सकती है। खलील, पुलिस तुम तक पहुंचने तो पहुंचने दो, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। और धर्मेंद्र को कहो कि अंडरग्राउंड रहे, जब तक उसे कहा ना जाए बाहर ना निकले, समझे? सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस धर्मेंद्र की फोन पर सबसे ज्यादा बात खलील इब्राहिम के साथ हुई है। ये खलील ट्रैवल एजेंसी का मालिक है। सर ये धर्मेंद्र जो है चाय की टपरी पे काफी बैठता है, और ये टपरी शादाब की दुकान के जस्ट बगल में है। देख लो साहब, कुछ तो कनेक्शन दिखता है। सर पंकज कह रहा है कि शादाब का इस धर्मेंद्र के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। पक्का होगा। उठाओ शादाब को, लगता है इस केस की सही क्लोजर रिपोर्ट बनाने का वक्त आ गया। 6 साल धर्मेंद्र मेरे यहाँ ड्राइवर था, फिर उसने 2 साल पहले लोन से टैक्सी खरीदी, मेरी नौकरी छोड़ दी और अभी खुद का बिजनेस चलाता है। तो फिर वो तुम्हें बार बार फोन क्यों लगाता रहता है? वो इसलिए कि वो अपना लोन नहीं चुका पा रहा था, उसे अपनी नौकरी वापस चाहिए। उसे 80,000 वापस चाहिए थे। जी? अफजल के मर्डर के सुपारी के 80,000 बैलेंस। कौन अफजल, कैसा कत्ल, कौन सी सुपारी? और सर ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? सुपारी तुमने दी थी खलील, तुमने कहा धर्मेंद्र ने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी, अफजल का मर्डर हुआ 3 साल पहले। उस वक्त धर्मेंद्र तुम्हारी एजेंसी में नौकरी करता था। तब उसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी। उस हिसाब से तो मर्डर में यूज की गई गाड़ी तुम्हारी रही होगी। नहीं नहीं मैडम, ये सही नहीं है। यही सही है। और धर्मेंद्र तुम्हें बार बार फोन उस बैलेंस 80,000 के लिए करता था। सर मुझे लगता है आप मुझे कोई और समझ। ये अफजल कौन है मैं सच में इसे नहीं जानता। देखिए आपने जो जो सवाल किए मैंने उसका सही सही ईमानदारी से जवाब दिया। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है जाओ जाओ। हाँ जाओ। खलील याद रखना धर्मेंद्र घर से भागा, तुम नहीं भाग पाओगे। बोल। मैं चाय तक नहीं पीता साहब, मुझे कैसे पता कि चाय की टपरी पे कौन धर्मेंद्र आता है। इस आदमी ने अफजल को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। इस आदमी को मैंने अपने दुकान के आसपास देखा है साहब, चाय की टपरी पर, जैसा आप बोल रहे हैं ना साहब, लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। मेरा यकीन कीजिए मेरा अफजल के कत्ल से भी कोई ताल्लुक नहीं है साहब। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस धर्मेंद्र, शादाब और रजिया के बीच कोई फोन कनेक्शन नहीं है, एक कॉल भी नहीं। शायद ये शादाब सच बोल रहा है। सर खलील के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, उसका शादाब, रजिया, अफजल किसी के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा है। तो फिर धर्मेंद्र को सुपारी किसने दी? क्योंकि सुपारी तो दी गई, धर्मेंद्र घर से भागा और ये स्नेह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अफजल शेख कहाँ का रहने वाला? सर जब उसकी पड़ोसी से बात हो रही थी तो वो बोली सरोनी गांव को बिलोंग करता है, पूरी फैमिली वहीं रहती थी, 8 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। इस धर्मेंद्र के लिए तलाश जारी है। कमिश्नर एक टीम लेकर सरोनी गांव जाए, देखते हैं कि अफजल शेख की मौत के सुराग के गाँव में तो नहीं छुपे। शादा मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना? क्या आपने अफजल को मरवाया है? क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अफजल का कत्ल मैंने करवाया है? मेरी आंखों में आंखें डालकर अपना सवाल पूछो रजी, मेरी तरफ देखो। क्या ये आंखें खूनी की लगती है? अफजल के खूनी की मैंने किसी को सुपारी वाली नहीं थी रसी। तकदीर का लिखा जो होना था बस वो होता गया। मेरे बात का यकीन कर। ये जमीन जिस पर मैं खेती कर रहा हूँ ये दरअसल अफजल भाई की ही है। पिछले 5 सालों से मैं ही इस जमीन पर खेती कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से मुझे कभी भी किराया या अनाज के बारे में नहीं पूछा। अल्लाह के बंदे थे वो, बहुत नेक। अच्छा अफजल के गाँव में किसी के साथ कोई दुश्मनी है? इस जमीन को लेकर या किसी और मसले को लेकर या बापदादों वाली दुश्मनी? मैंने तो उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा। अच्छा इस गांव में अफजल का कोई दोस्त है क्या, कोई खास? जी हाँ, माजिद। भाभी आपको कभी भी किसी चीज को जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। कहाँ मिलेगा इस वक्त? माजिद पार्टी के दफ्तर में होगा। केशव क्या ये डिजाइन कितनी गलत है? सुनिए। जी कहिए। माजिद सिद्दीकी। हाँ मैं ही हूँ। आप कौन? अफजल जैसा दोस्त नहीं था, बहुत याद आती है सर, साथ ही पढ़ाई की, साथ ही बड़े हुए थे। यहाँ गांव में अफजल का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई पुरानी दुश्मनी? सर अभी तक तो आपको गांव वालों से मालूम पड़ ही गया होगा। मेरा दोस्त बहुत शरीफ बंदा था, लेकिन जबलपुर में कुछ हुआ हो तो वो मुझे नहीं पता। रजिया के बारे में जानते हो तुम? अफजल की मौत के बाद मैंने रजिया भाभी को फ़ोन किया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सदा बोल रहा हूँ। ये नंबर तो रजिया भाभी का है ना? जी हाँ मैं रजिया का शौहर। ओह रजिया भाभी ने शादी कर ली? मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। बस मलाल इस बात का है कि ये फ़ोन रजिया भाभी की तरफ से नहीं आया, पर ठीक है अल्लाह की ही मर्जी। चलो इसी बहाने कम से कम शबनम अरमान को बाप का साया तो मिला। लेकिन बेटी शबनम रजिया और शादाब के साथ नहीं रहती? इस बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं। क्या अफजल ने आपको कभी रजिया और शादाब के नाजायज़ रिश्ते के बारे में बताया? नहीं सर उसने कभी नहीं बताया। पर अभी तो आपने कहा कि अफजल आपका जिगरी दोस्त था। हाँ मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर अब मुझे एहसास हो रहा है सर कि उसने कभी मुझे अपना नहीं माना, पर मेरे लिए वो आज भी दोस्त रहेगा। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थी। हालांकि पुलिस जानती थी कि अफजल का कत्ल किसने किया था, लेकिन वो ये जानने में अब तक नाकाम रही थी कि अफजल का कातिल आखिर किस शतरंज का मोहरा था? अफजल का कत्ल आखिर क्यों किया गया और इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? 3 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या पुलिस किसी सुराग तक पहुंचने वाली थी या फिर कोई सुराग पुलिस तक? शबनम, अच्छा किया जो तुम खुद अपना बयान लिखवाने के लिए आई। यकीन मान, छोटी से छोटी जानकारी भी तुम्हारे अब्बू के कातिलों को पकड़ने में हमारी बहुत मदद करेगी। बोलो। अब्बू ने अम्मी और शादाब को रंगे हाथों पकड़ा था। कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, कुछ नहीं जानना मुझे। आज के बाद सब नहीं। फिर उस रात अब्बू को ऐसे रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। वो इतना प्यार करते थे अम्मी से। और अम्मी ने क्या किया? पहले अफेयर, फिर अब्बू के मौत के बाद शादाब से शादी। अम्मी और शादाब को खुश देखा और उनकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ही अब्बू को हटाया अपने रास्ते से। तुम्हें लगता है कि? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, ये मेरी सोच है, लेकिन अब्बू की मौत की सच्चाई मैं नहीं जानती। अब अंगज बोल। साहब, आपका बंदा मिल गया। यहाँ इमाम नगर के एक लॉज में छुप के बैठा है। उस पे नजर रख, हमारे। पहले बोल, सुपारी किसने दी? मेरे मालिक खलील इब्राहिम ने। अफजल शेख नाम है इसका। गाड़ी से उड़ाना, एक्सीडेंट लगना चाहिए। एडवांस 20,000, बाकी के 80,000 काम होने के बाद। मैं उससे मिलने उसके दुकान पर गया था, दर्जी की दुकान पर। मंगेश, दुकान संभालने में खाना खा के आता हूँ। अफजल भाई। अब सलाम। सलाम, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, दरअसल मेरा नाम बाला है। आपकी कारीगरी की बहुत तारीफ, इसलिए मिलने चला। वो क्या है ना कि मैं एक छोटा सा गारमेंट का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे एक काबिल साथी की ज़रूरत है जो मेरे बिजनेस को संभाल पाए। कहीं बैठ के बात करेंगे। भाई साहब क्या है कि वो मैं भी खाना खाने घर जा रहा था, उसके बाद एक अर्जेंट डिलीवरी है। शाम को मिले? शाम को तो मेरी 4-6 मीटिंग्स हैं, लेट हो जाएगा। अंधेर रात को 10 बजे मिलेंगे। रात को 10 बजे बहुत लेट नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ तो फिर ठीक है ना, अपना वो जबलपुर बाईपास के पास जो फर्स्ट एग्जिट है ना, वहीं पर मिलते हैं रात को 10 बजे। चलिए ठीक है, फिर 10 बजे मिलते हैं वहीं बाईपास। तेरा सेठ खलील अफजल को क्यों मरवाना चाहता था? उसकी अफजल से क्या दुश्मनी थी? मुझे उसने कभी कुछ नहीं बताया सर। मेरी अफजल से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं था सर। अगर अफजल को जानता नहीं था तो मरवाया क्यों सर? मैं नहीं चाहता था सर, ये कांड मुझसे करवाया गया। तुम्हें किसी और ने सुपारी थी? हाँ। ना मान, मेरे एक दोस्त ने। कौन दोस्त? एक छोटे लेवल का पॉलिटिशियन है सर, सरोनी गांव का, माजिद सिद्दीकी। अफजल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, शायद इकलौता लंगोटिया यार था सर। हम सब कुछ साथ में करते थे, हमने गांव में किराने की दुकान भी खोली, हमारा धंधा चल निकला। अफजल एक दिन बोला कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो 2011 में वो जबलपुर के लिए चला गया पार्टनरशिप तोड़ के। बिजनेस टूटा, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी कायम थी सर। गांव वाले मिसालें दिया करते थे हमारी दोस्ती की। जबलपुर जाने के बाद भी हम लोग टच में तो थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। वाकई अफजल मेरी हिम्मत था सर। अगर अफजल तुम्हारी हिम्मत था तो उसे मरवाया क्यों? रज़िया ने कहा था उसे मरवाने के लिए? नहीं। इलेक्शन जोक लग रहा तुझे? तू राजवीर सिंह जी के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। पूरा गांव राजवीर जी को वोट करेगा। तेरे अम्मी अब्बू, मेरे अम्मी अब्बू, सभी। मतलब तुझे सिर्फ एक वोट मिलेगा, वो भी तेरा। मतलब तेरा भी वोट नहीं मिलेगा मुझे? ये दोस्ती तेरी? अरे यार अब तू देख ड्रामा कर रहा है खाम का। अफजल, क्या जिंदगी में तू ही सिर्फ आगे बढ़ सकता है, मैं नहीं? देखना इस पूरे इलाके में मेरे नाम का डंका बजेगा। करके दिखाऊंगा यार। हाँ भाई दिखा लेना यार। मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तू डाली पकड़ेगा तो मैं गिरूंगा नहीं। देख माजिद यार, मुझे इन सब में मत घसीट। और तुम इलेक्शन हार गए। सर मुझे इलेक्शन हारने का कोई गम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा फ्यूज उड़ गया। और माजिद काम खा में जमात के पैसे भी जब्त करवा दिए। अरे मैंने कहा था कोई वोट करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी राजू जी को वोट दिया है। छोड़ना यार, वो तो मैं अगली बार जीत जाऊंगा, लेकिन ये बता बे कि तूने वोट दिया कि नहीं? देखिए सही बताऊं तो नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं दिया? यार बुरा मत मानना, एक पुरानी कहावत है, किसी गधे को अगर नदी किनारे छोड़ दिया जाए तो पानी तो खुद पी लेगा, लेकिन कभी घोड़ा नहीं बन सकता। खंजर की तरह चुप गई थी अफजल की बात मेरे दिल में। मेरे लिए इतना बैर, ये बात अटक गई थी मेरे जहन में। मैंने इतना गुस्सा, इतनी नफरत किसी से नहीं की थी जितना मैं अफजल से करने लगा था। मुझे बदला चाहिए था सर। ये बदला तुमने 1 लाख में खरीदा खलील से, इसे 20,000 में दिलवाया धर्मेंद्र से। माजिद, जो दोस्त मुंह पर सच बोल दे उसके दिल में बैर नहीं होता। बैर अफजल के दिल में नहीं था, बैर तुमने पाल रखा था अपने दिल में अफजल के लिए। माजिद सिद्दीकी को IPC की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही खलील इब्राहिम और धर्मेंद्र कुमार को भी IPC की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कत्ल की वजह से रज़िया का परिवार बिखर गया था और फिर संभला तो पहले जैसा कभी ना हो पाया। एक बेटी ने अपने अजीज अब्बू को खोया जिसकी वो दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करती थी, और दूसरी तरफ पुलिस के खबरी पंकज को खास इज्जत बख्शी गई, क्योंकि उसकी एक ब्लाइंड टिप के आधार पर पुलिस एक ऐसा केस क्रैक कर पाई जो 3 साल पहले अनसुलझा करार दे दिया गया था और उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। खून का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का, सामने वाले के जज्बात और प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। सालों से अंदर ही अंदर उबल रही रंजिश किसी एक हरकत या चंद शब्दों की वजह से उमड़ पड़ती है, और उस नफरत के शिकार होने वाले को याद तक नहीं रहता है कि उसने किसी को ठेस पहुंचाई थी, जैसा कि इस केस में अफजल शेख के साथ हुआ। क्या अफजल के कत्ल की वजह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद था, या फिर बचपन से ही माजिद ने अपने दिल में अफजल को एक प्रतिद्वंदी ज्यादा और दोस्त कम समझा? शायद माजिद को भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या उमड़ रहा है, लेकिन जुर्म करने की कोई भी वजह उचित नहीं होती। ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया से सतर्क रहना चाहिए। अगर मन में ऐसे ख्याल आते हैं या घर करने लगते हैं तो समझदारी से आगे बढ़ने में ही हमारी और हमसे जुड़े लोगों की भलाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।